हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 32 चेस्ट सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो यह हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसी पे हम सबसे पहले कटिंग करेंगे, मेन कपड़े पे बाद में करेंगे। तो अस्तर को हम खोल लेंगे और इसको दो फोल्ड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ 32 का फोर्थ पार्ट लूँगी। तो 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के ले लेंगे। और उसके बाद हम इसका जो टोटल लेंथ रहेगा 12 इंच का, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलने के लिए। तो 13.5 पे निशान लगा दूँगी लंबाई का। और 10 इंच का हमारा इसका शोल्डर है, तो 10 का हम आधा लेंगे। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है इसलिए, तो 10 का आधा होता है 5 इंच। तो 5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगा देंगे। 2.5 इंच गले की गहराई के लिए ले लेंगे और शोल्डर के निशान को मिला देंगे। ये हमारा टोटल शोल्डर का निशान है। उसके बाद 5.5 इंच का हम आर्म होल रखेंगे। तो 5.5 इंच का हम आर्म होल बना के चौकुटा बना देंगे। ये हमारा चौकुटा निशान लग गया। अब इसका जो गला रहेगा हमारा 10.5 इंच का रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका गला रख सकते हैं, चाहे जितना आपको डीप रखना है या शॉर्ट गला रखना है। तो मैं यहाँ 10.5 ले रही हूँ, ये ऑप्शनल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख ले जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ भी चौकुटा निशान बना देना है गला में भी। और सारे निशान बन गया है। अब यहाँ हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो इसका कमर है 31, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5, तो हम 7.5, तो 7.5 पे हम निशान लगा देंगे कमर का। और फिटिंग वाले निशान से हम कमर वाले निशान को इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा सिलाई वाला कपड़ा है। और हम आर्म होल में 1 इंच लेके यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। सेम हम गले में भी 1/2 इंच लेके गोलाई का शेप दे देंगे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम फिर से अस्तर के कपड़े को लेंगे और उसको दो फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट की ही मदद से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अच्छे से हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रख देंगे। और इसको रखने के बाद हम सेम बैक पार्ट से आर्म होल भी बना लेंगे। और हम यहाँ गले की गहराई का भी निशान लगा देंगे। और उसके बाद 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ हमेशा बैक पार्ट से। फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच ले जाता है, कभी ब्लाउज छोटी बड़ी नहीं होती है। तो मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट के लिए। और उसके बाद हम आगे वाले गला 6 इंच का रखेंगे। आप 6.5 या 5 भी रख सकते हैं, मैं यहाँ 6 रख रही हूँ। और 1/2 इंच हम आर्म होल में बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से एक हमारी प्लेट बनती है तो कपड़ा उसमें चला जाता है 1/2 इंच। तो हम यहाँ गले में 1/2 इंच पे निशान लगा के गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो जैसे हमारा बेल्ट 10 इंच का है, तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सिलने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा 10 इंच पे। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा 11.5 पे मैं बेल्ट का निशान लगा दे रही हूँ। देखिए 11.5 पे बेल्ट का निशान लगा दी हूँ। आप 1.5 इंच ले, चाहे जितने पे आपका बेल्ट हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले, कभी बेल्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसके बाद गले वाले साइड से 1 इंच लेके हम तिरछा निशान बना देंगे और ये हमारा बेल्ट का भी निशान लग गया है। तो अगर इस ब्लाउज से आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये हमारे आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी आगे वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इस बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे। और देखिए हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद बचे हुए अस्तर से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल लेंगे और इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे।
तो हम अस्तर को चार फोल्ड करेंगे क्योंकि दो बाजू हमको बनानी है, तो हम चार फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारी बाजू की लेंथ होगी 4 इंच होगी, वो सिलने के बाद 3 इंच पे तैयार हो जाएगा। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 4 इंच पे निशान लगा दूँगी और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और यहाँ एक तिरछा निशान बना दूँगी बाजू का। मैं नीचे से थोड़ा तिरछा कर दूँगी बाजू को और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है, देखिए ये हमारा बाजू, इसकी भी कटिंग हो गई है। उसके बाद हम आगे वाले पार्ट पे हम बनाएंगे टक्स और प्लेट के निशान। तो सबसे पहले तो हम फिटिंग वाला निशान लगा देंगे, इससे हमारे प्लेट डालने में इजी होता है। तो 8 इंच पे हम फिटिंग का निशान डाल लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से 8 इंच लेंगे, 8 इंच पे निशान लग गया। फिर गले वाले साइड से हम 4 इंच ले लेंगे और यहाँ पे ये हमारा टक्स पॉइंट है। उसके बाद नीचे वाली हमारी मेन प्लेट होती है, तो जितना हो उसके, जैसे हमारा 8 इंच है तो हम 8 का आधा 4 लेंगे, तो 4 पे निशान लगा दूंगी और ये 3 इंच लंबी हमारी प्लेट होगी, यही हमारी मेन प्लेट होती है। फिर गले वाले साइड से हम 2.5 इंच लेंगे और इस प्लेट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 3 इंच की, 3 या 2.5 इंच की आप रख सकते हैं। सबसे मेन हमारी नीचे वाली प्लेट होती है, तो जितना फिटिंग के निशान डालने के बाद जितना कपड़ा बचे उसका आधा आप प्लेट के निशान डाल दें। फिर आर्म होल से मैं लूँगी 6 इंच से मैं बनाऊँगी एक प्लेट का निशान और उसके बाद फिटिंग वाले साइड से लूँगी 2.5 इंच और यहाँ से भी एक प्लेट का निशान बना दूँगी। देखिए ये 6 इंच लंबी है, ये 4 इंच लंबी प्लेट है हमारी। और ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे रख के प्लेट के निशान को बना लेंगे। तो हाथ से रख के इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे और इन सारे प्लेट को हम गहरा कर लेंगे। और ये दोनों पार्ट पे हमारा प्लेट का निशान बन गया है। और ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो मैं यहाँ सारे पार्ट को मेन कपड़े के साथ अटैच कर दी हूँ। अगर आपको अटैच नहीं करने आता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कैसे अटैच किया जाता है। तो हम नीचे वाली प्लेट डालेंगे, तो ये जो हमारी प्लेट होती है 1 इंच गहरी होती है या 1.5 इंच गहरी होती है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग ये हम प्लेट डालते हैं, क्योंकि जितना ये हमारा गहरा प्लेट होगा उतना अच्छा पफ बनेगा। तो चलिए हम प्लेट को डालते हैं। तो प्लेट को इस प्रकार से डालना है, पहले थोड़ा चौड़ा रखना है और लास्ट में एकदम उतार देना है। अगर थोड़ा सा भी हम चौड़ाई रखेंगे आगे तो वहाँ पहनने के बाद हमारे प्लेट में एक फूला हुआ फुलन सा दिखने लगता है। तो पहले हमको चौड़ा रखना है और बाद में एकदम उतार देना है बिल्कुल, और धागे को पूरा नहीं काटना है। अगर धागा पूरा काटेंगे तो कुछ दिन बाद वो हमारा धागा खुल के हमारी प्लेट भी उखड़ जाती है। और ये जो हमारी प्लेट है इसको 1/2 इंच हम दबाएंगे। जो नीचे वाली प्लेट होती है अगर जितना ज़्यादा साइज हो उतना आप उस प्लेट को गहरा लगाएं तो हमारा उतना ही पफ और फिटिंग अच्छा आता है। और बाकी ये सारी हम प्लेट 1/2 इंच में डाल लेंगे। और ये सारा प्लेट हमने बना लिया है, अब इसमें हम अटैच करेंगे बेल्ट को। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए हम इस पर मेन कपड़े को रखेंगे और नीचे से एक सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमारी लग गई है, अब जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम बेल्ट के साइड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने सिलाई भी लगा लिया है, अब इसको हम सीधा करके इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। तो ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर दिया, अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को भी काट लिया, इस बेल्ट को हम अटैच करेंगे। तो हम बेल्ट को ऐसे ऊपर से रख के ऊपर से ऐसे रखेंगे और इस प्रकार से अटैच करेंगे। बिल्कुल बेल्ट को और आगे वाले पार्ट को हम अच्छे से एक साथ रख के अटैच करेंगे।
और ये जो हमारा प्लेट है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, नहीं तो हमारी ब्लाउज़ पहनने के बाद एक खिंचाव आने लगता है, तो इसको हम फोल्ड कर देंगे तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने बेल्ट को भी अटैच कर दिया है, बेल्ट अटैच हो गया है। अब इस पर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई वाले कपड़े को हम बेल्ट के साइड करके उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। और ये हमने सिलाई भी लगा लिया है। मैं यहाँ दो सिलाई लगा ले रही हूँ थोड़ा सा गैप देके, आप चाहें तो एक भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ दो सिलाई लगाई हूँ, एक एक पार्ट में बना के दिखा दी हूँ, ऐसे ही आप दूसरा पार्ट भी बना ले, बहुत इजी है बनाना, आप बिल्कुल आराम से बनाए। और ये हमने दोनों पार्ट बना लिया है। उसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और उस पर भी हम प्लेट बनाएंगे। इस पर भी दो प्लेट होती है, तो इसका प्लेट लगाना बिल्कुल आसान है। शोल्डर के बीच से हम ऐसे पकड़ के वहाँ पे एक निशान बना देंगे प्लेट का, यहीं हमारी प्लेट लगती है शोल्डर के बीच से। और ये जो हमारी प्लेट होती है 4 इंच लंबी होती है, 4 इंच लंबी हम इस प्लेट के निशान को बना लेंगे। दोनों साइड 4-4 इंच लंबी हमारी प्लेट रहेगी और हम 1/2 इंच दबा के इन प्लेट को लगा लेंगे। ये 1 इंच की हमारी प्लेट लगती है, तो दोनों साइड से 1/2 इंच लगा के और इस प्लेट को हम बना देंगे। मैं आपको जितना इजी वे है उस टाइप से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाए। और दोनों ये हमारी प्लेट लग गई है, देखिए दोनों हमने प्लेट को लगा लिया है। अब इस पे हम फ्रंट पार्ट को रख के अटैच करेंगे, तो इनके शोल्डर को पहले हम अटैच करेंगे, तो एक दूसरे पे हम शोल्डर को रख के अटैच करेंगे। तो हम गले वाले साइड से दोनों के शोल्डर को बराबर रखेंगे, आर्म होल के साइड थोड़ा सा निकल भी गया तो हम उसको ट्रिम कर लेंगे, लेकिन गले वाले साइड में एकदम बराबर रख के शोल्डर को अटैच किया जाता है। और इस पे हम दो दो सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा उखड़े नहीं। अब लगभग हर जगह दो दो सिलाई ही लगाए जिससे हमारी ब्लाउज एकदम अच्छे से फिक्स रहे, उखड़े नहीं। और ये हमने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है दोनों के, देखिए हमारा शोल्डर भी अटैच हो चुका है। अब हम इस ब्लाउज को उल्टा करके दोनों साइड से हम ऐसे ही एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बस ब्लाउज को फिक्स करने के लिए। बाद में हम फिटिंग वाला सिलाई लगाएंगे, तो हम दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़े को रख के कच्ची सिलाई लगा देंगे। और जो हमारा प्लेट है इसको हम ऊपर के साइड हमेशा रखते हैं, नीचे के साइड नहीं रखना है। और एक साइड से हमने ऐसे फिक्स कर लिया, ऐसे ही हम दूसरे साइड भी फिक्स कर लेंगे। प्लेट को हमेशा ऊपर ही रखना है। और ये दोनों साइड से हमने एक एक कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और इसमें काज और बटन वाली पट्टी अटैच करेंगे। हमने सीधा कर लिया, अब काज और बटन वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन वाली पट्टी अटैच करूँगी, ये हमारी 2.5 इंच होगी पट्टी, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। और बटन वाली पट्टी हमेशा नीचे से लगती है और ऊपर के साइड फोल्ड होती है, तो मैं नीचे से इसको अटैच करूँगी। और बटन वाली पट्टी हमेशा मेन कपड़े की बनती है और काज पट्टी अस्तर की। और नीचे से थोड़ा सा कपड़ा हम रख के इसको ऐसे नीचे के साइड फोल्ड कर देंगे, इससे हमारे नीचे से फिनिशिंग अच्छा आएगा। और ये हमने बटन वाली पट्टी अटैच कर दी है। अब इसको इस प्रकार से हम ऊपर के साइड फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इस पर एक हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने दो सिलाई लगा दिया है गैप करके, आप चाहें तो एक ही सिलाई लगाएं। अब उसके बाद हम लगाएंगे काज पट्टी, तो काज पट्टी जो हमारी होगी वो 3 इंच की चौड़ी होगी। अब इसको हम ऊपर से लगाएंगे, इसको हमेशा ऊपर से लगाया जाता है और ये नीचे के साइड फोल्ड होता है, तो ये पट्टी थोड़ी चौड़ी ही हम रखते हैं। तो यहाँ भी जो प्लेट है इसको हम ऊपर के ही साइड रखेंगे,
और नीचे के साइड थोड़ा सा हम कपड़ा को छोड़ देंगे फिनिशिंग के लिए। और ये हमारी काज वाली पट्टी भी लग गई है। अब इस प्रकार से जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उसको मोड़ के और ऐसे लगा लेना है, फोल्ड करके नीचे के साइड इस पर एक सिलाई लगा लेना है। और ये हमने सिलाई लगा ली है, काज पट्टी भी हमारी अटैच हो चुकी है। और देखिए हम ऐसे मेजरमेंट ले लेंगे कि दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर है कि नहीं, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप गले वाले साइड से काट लें। और अब उसके बाद हम बाजू को लगाएंगे, तो बाजू पे हम लेस को पहले अटैच कर लेंगे। और ये हमारा लेस भी अटैच हो चुका है। अब बाजू को हम ऐसे बीच से पकड़ के उस पर एक कट लगा लेंगे, इससे हमारा पता चले कि ये हमारा बाजू का बीच का पोर्शन है। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे, तो जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे, या पूरा भी आप खोल सकते हैं। खोल के हम बाजू को अटैच करेंगे इसमें। तो बाजू अटैच करना बिल्कुल आसान है, शोल्डर के बीच से जो दोनों शोल्डर हमारा जॉइंट हुआ है वहीं से रख के, जहां हमने बाजू में कट लगाया था वैसे रख के दोनों साइड हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से बाजू लगाने से ये होता है कि हमारा दोनों साइड बाजू का कपड़ा बिल्कुल बराबर जाता है। तो ऐसे रख के एक साइड हम बाजू को ऐसे लगा लेंगे। जो भी मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं खुद उस मेथड को अप्लाई करती हूँ और मेरी ब्लाउज को भी ख़राब नहीं होती है, इसलिए मैं जो जो मैं मेथड अप्लाई करती हूँ आपको वही मेथड बताती हूँ। और यकीन मानिए कभी मेरी ब्लाउज ख़राब नहीं होती है, जिस भी साइज़ के लिए बनता है बिल्कुल फिट और परफेक्ट बनता है। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी बाजू को अटैच कर लेंगे। और ये हमारा बाजू भी अटैच हो गया है। आप इस पर एक और सिलाई लगा के इसको एकदम बिल्कुल पक्का कर ले। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी बाजू को अटैच कर लेंगे। और ये हमने दोनों साइड बाजू को लगा दिया है। उसके बाद हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और नाप वाली ब्लाउज से हम बाजू के ऊपर भी फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ब्लाउज फिटिंग करने नहीं आता है तो मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ फिटिंग वाले निशान पे लगा दी हूँ और ये दोनों साइड से हमने ब्लाउज को फिट कर लिया है। और ये हमारी ब्लाउज रेडी हो गई है। तो मैं इस वीडियो में इसका नेक पार्ट बनाना नहीं बताई हूँ, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा कि पाइपिंग कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारी ब्लाउज रेडी है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारी ब्लाउज देखिए, नेक पार्ट भी बन के रेडी है।